अगली खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां के जंगलों में भी अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा वनों में आग लगाई जा रही है, जिससे वन संपदा के साथ साथ पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग की टीमें लगातार प्रयासरत हैं। वन विभाग ने जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए अलग अलग टीमें गठित की हैं, साथ ही आग लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। अभी तक 19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। DFO रुद्रप्रयाग अभिमन्यु ने कहा कि जंगल में आग वनाग्नि क्रू स्टेशन और मोबाइल क्रू स्टेशन के द्वारा वनाग्नि नियंत्रण किया जा रहा है, साथ ही जनपद पुलिस टीम के साथ ही मुखबिरों के सहयोग से आग लगाने वाले शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है। इसके तहत ही DFO अभिमन्यु ने ग्रामीणों से अपील की है कि आग लगाने वालों की सूचना तुरंत वन विभाग को दे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। इस पर सभी स्थानीय जनता से अपील है कि वनाग्नि सत्र के दौरान जो है सावधानी भी बरतें और वन विभाग का वनाग्नि नियंत्रण में सहयोग भी करें। और इस साल हमने और हर साल की तरह भी इस साल जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो वन पंचायतें, जो महिला मंगल दल या जो समूह वनाग्नि रोकथाम एवं इसके नियंत्रण में वन विभाग का सहयोग कर रहे हैं, वह अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसमें हमारे कई फायर वॉचर्स भी हैं जो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं और काफ़ी कठिन परिस्थितियों में हमारे स्टाफ के साथ मिलकर वनाग्नि नियंत्रण में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही सभी जो रुद्रप्रयाग जनपद के वासी हैं उनसे अपील है कि वो वनाग्नि सत्र के दौरान सावधानी बरतें।